जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजय दांगी स्वागत करता हूँ आपका इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर करते रहें। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है आपकी इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमिक्स की इस सीरीज़ में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक डील करता है आपका प्लानिंग से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक ऐसा है कि हर एक एग्ज़ाम में, डजेंट मैटर कि आपका वो कौन सा एग्ज़ाम है, ठीक है, विच एग्ज़ाम आर यू अपियरिंग इन, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो वी डिस्कस अर्लियर जो पार्ट था हमने डिस्कस करा था किसका, आपका प्लानिंग का, जिसमें मैंने आपका इवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग आपको बताया था, डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि भारत में प्लानिंग, भारत में योजना का जो स्वरूप था वो किस प्रकार से डेवलप हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1934 टिल कहाँ तक आपका 1949 तक आता है, और फिर लास्ट में जाके भारत को एक इंस्टीट्यूशन मिलता है जिसका नाम था आपका प्लानिंग कमीशन। क्या मिलता है? प्लानिंग कमीशन कब मिला आपका? 1950 में। 1950 में एक आयोग बना, योजना आयोग, जिसने भारत में प्लानिंग का स्वरूप जो अपनाया, भारत में जो प्लानिंग का नेचर बनाया अपनाया वो था आपका 5 ईयर प्लान्स। क्या था आपका? 5 ईयर प्लान्स। ध्यान रखना सर, इट्स अ टाइप ऑफ प्लानिंग, एक प्लानिंग का टाइप है, एक अप्रोच है प्लानिंग का 5 ईयर प्लान्स, क्योंकि प्लानिंग के कई सारे अप्रोच हैं। इसको हम मिड टर्म प्लानिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिड टर्म प्लानिंग। प्लानिंग 3 टाइप की होती है। एक होते हैं परस्पेक्टिव प्लान, परस्पेक्टिव प्लान मतलब जो 15, 20, 25 साल के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। एक होते हैं मिड प्लान, मिड टर्म प्लान, जो 5, 7 साल के लिए बनाए जाते हैं, और एक होते हैं आपके शॉर्ट टर्म प्लान, जो 1, 2 साल की रेंज के लिए क्या करते हैं आपके बनाए जाते हैं। तो जो अप्रोच प्लानिंग कमीशन ने अपनाया, जो अप्रोच प्लानिंग कमीशन ने अडॉप्ट करा, विच वॉज कॉल्ड शॉर्ट, वो मिड टर्म अप्रोच, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका? मिड टर्म अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान स्टार्ट होते हैं, और पहला 5 ईयर प्लान 1950 में, ध्यान से सुनना सर, वेरी इंपॉर्टेंट है, अब क्वेश्चन आपके आएंगे। 1950 में आपका प्लानिंग कमीशन बना। कब बना? आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताइए। तो ध्यान से देखिएगा सर, क्या होता है 1950 में, कब? 1950 में, 1950 में कौन बना आपका? प्लानिंग कमीशन बना। कौन बना? प्लानिंग कमीशन। और जैसे ही प्लानिंग कमीशन बना तो इसने भारत का पहला प्लान बनाया। भारत का पहला प्लान बनाया कब आपका? 1951 से 1956। तो याद रखना सर, पहला प्लान बनेगा 1951 से लेकर 1956। ये भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ये भारत का फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। अब सर ध्यान से देखिएगा, क्या होता है ना, बच्चे रटते हैं, बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं कि यार इसका ऑब्जेक्टिव ये था, इस पे, इस प्लान में इस पे जोड़ दिया गया था, इस प्लान में उस पे जोड़ दिया गया था, और ऐसे ऐसे करके वो रटते हैं, ठीक है। मैं आपको लिंक करके बताता हूँ, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, आपको एक एक चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी, रटना ही नहीं पड़ेगा। सर क्या होया, आप खुद सोइए, भारत जब आज़ाद हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ, इंडिया जब आज़ाद हुआ था, तो भारत की सिचुएशन कैसी थी, भारत की कंडीशन कैसी थी? सर भारत की कंडीशन इतनी बुरी थी कि खाने के लिए नहीं था, भारत के मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज अफेक्टिंग फ्रॉम द फूड शॉर्टेजेस। जो भारत की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी उसके पास रोटी नहीं थी, उसके पास क्या नहीं थी आपकी? रोटी नहीं थी। जो भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, जो भारत एक गोल्डन स्पैरो हुआ करता था, उसको इन अंग्रेज़ों ने इतना खाया, इतना खाया कि वो एक चिड़िया बन गया जिसके पर ही नहीं थे। अ वर्ल्ड विदाउट विंग्स, मतलब एक ऐसी चिड़िया बना के रख गए वो हमें, जो उड़ेगी तो बात दूर की, दूर बात की बात है, सोने की चिड़िया तो दूर की बात है, एक ऐसी चिड़िया जिसके पर ही नहीं बचे थे, इतना उन्होंने खाया। और ये कहना गलत होगा कि भारत देश आज़ाद हुआ था, ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि भारत देश आज़ाद हुआ था, भारत देश को आज़ाद किया गया था। क्यों? क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं था हमारे देश में खाने के लिए। तो सर 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी कि आप सोच नहीं सकते। एक मूवी है पार्टीशन करके, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देखिए, जिसमें आपको एक पिक्चर मिलेगी भारत की 1947 की। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी यार खाना नहीं था लोगों की। तो सर आप देखोगे कि जो प्लानिंग कमीशन है, जो आपका प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग,
आप जो प्लान बनाएगा, जो पहला प्लान बनाएगा, फर्स्ट प्लान बनाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा कि भारत में के बहुत सारे लोगों को क्या दिया जाए, खाने को दिया जाए, क्या दिया जाए खाने को। और खाना कहाँ से आएगा, आपका एग्रीकल्चर से आएगा। कहाँ से आएगा आपका, एग्रीकल्चर से। तो सर आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे, पहले प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था, पहले प्लान पे जो फोकस करा गया था, वो किस पे करा गया था, कृषि पे करा गया था। किस पे करा गया था, कृषि के ऊपर पहले प्लान का क्या था, आपका फोकस था। ठीक है, सिंपल है, भारत देश आज़ाद हुआ है तो सब पहली ज़रूरत रोटी की है, तो फोकस काहे पे होने वाला है, कृषि के ऊपर क्या होने वाला है, आपका फोकस होने वाला है। ठीक है, अगर बात करूं मैं एक किस एक मॉडल के ऊपर बेस्ड था, तो ये हैरोड डोमर मॉडल के ऊपर क्या था आपका, ये प्लान बेस्ड था। किस एक मॉडल के ऊपर बेस्ड था आपका, हैरोड डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या था, फोकस ऑन एग्रीकल्चर, किसके ऊपर बेस्ड था आपका ये प्लान, फोकस ऑन एग्रीकल्चर। अब आप देखोगे एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, इरीगेशन है। एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, सिंचाई है। तो आप देखोगे यहीं पर 1951 में भारत की पहली मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बना, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनती है। भारत की पहली कौन सी परियोजना बनी, नदी घाटी परियोजना, जिसका नाम क्या था आपका, दामोदर घाटी परियोजना, जिसका नाम क्या था आपका, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये भारत का पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट था। सर क्या है ना, लोग वहाँ रटते हैं, रटना नहीं है सर, आपको लिंक करना है यार। फर्स्ट प्लान का ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर सिंचाई के बिना हो नहीं सकता, इरिगेशन, तो आपको इरिगेशन के लिए क्या करना पड़ेंगे, डैम बनाने पड़ेंगे। तो आप देखोगे 1951 में ही भारत का क्या बनता है, पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट क्या होता है आपका, बनता है, जिसका नाम क्या था आपका, दामोदर घाटी परियोजना। इसी इसी सर प्लान में आप याद रखना एक प्रोग्राम स्टार्ट करा गया था, इसी प्लान में एक प्रोग्राम स्टार्ट करा गया था। ठीक है, उस प्रोग्राम का नाम था आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें नहीं लिखा है, आप लिख लेना, लिखा है सॉरी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करा गया था आपका, लॉन्च करा गया था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव का विकास हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो गाँव है उन तक क्या पहुँच सके, आपकी सर्विसेज पहुँच सके। तो एक प्लान को लॉन्च करा गया जिसका नाम क्या था आपका, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो तीन चार चीज़ें आपको याद रखनी है पहले प्लान की। पहले पहली चीज़ क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव था क्या आपका, एग्रीकल्चर क्यों था, रोटी की ज़रूरत थी। अगर एग्रीकल्चर है तो सिंपल सी बात है, आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, तो सिंचाई में भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनती है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था, भारत के हर गांव में रोटी तक की पहुंच है, रोटी को पहुंचाना है। तो आप देखोगे एक प्रोग्राम लॉन्च करा गया जिसका नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और जिस मॉडल के ऊपर ये प्लान बनाया गया था, वो मॉडल कौन सा था आपका, हैरोर डोमर मॉडल था। कौन सा मॉडल था आपका, हैरोर डोमर मॉडल था। ठीक है, तो इट इज़ अबाउट फर्स्ट ईयर प्लान, एक इसके बारे में हो गया आपका, पहले ईयर प्लान के बारे में हो गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सबका सब इससे आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्लान के बारे में बात करते हैं हम, सेकंड प्लान। नेक्स्ट प्लान कौन सा है आपका, सेकंड प्लान। अब जाहिर सी बात है सर, सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक स्टार्ट होगा आपका, 1956 से 1961। आपके पेपर में टाइमलाइन को लेकर भी क्वेश्चन आ जाता है, आपके पेपर में क्या होता है, टाइमलाइन को लेकर भी क्वेश्चन आ जाता है। वो क्यों आ जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, ये प्लानिंग की प्रोसेस भारत में कैसी नहीं चली है, प्लानिंग की प्रोसेस भारत में स्मूथली नहीं चली है, कहीं कहीं पर उसमें रुकावट आई है। ठीक है, वो कब कब आई है उसको भी लोग रटते हैं, पर आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बिल्कुल आपको क्या दे दूंगा, एक ऐसा रामबाण दे दूंगा जिससे आपको चीज़ें बहुत टाइम तक याद रहेंगी। ठीक है, तो दूसरा प्लान आता है सर, सेकंड 5 ईयर प्लान आया 1956 से 1961। ठीक है, अब यार ये चीज़ बताओ आप, आपके पेट में खाना आ गया, आपके पेट में क्या आ गया, खाना। अगर आपके पेट में खाना आ गया तो आप काय की सोचोगे, आप अब फिर आप अपने डेवलपमेंट की सोचोगे कि नहीं सोचोगे। यार सबसे पहली चीज़ यार, इंसान की पहली ज़रूरत रोटी थी, इंसान की पहली ज़रूरत रोटी थी, फिर इंसान की ज़रूरत क्या बनी, कपड़ा। फिर इंसान के पास कपड़ा आ गया तो फिर इंसान की ज़रूरत क्या बनी, मकान। तो सर धीरे धीरे इंसान के हाथ में जैसे ही रोटी आई, उसने क्या करना चालू करा, अपना डेवलपमेंट चालू करना करा, अपना विकास करना चालू करा। तो सेम कंडीशन आप लिंक करिए, अब रोटी सबको मिल चुकी है, पहला प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो एग्रीकल्चर था,
एग्रीकल्चर अब मिल चुका है, अब दूसरे प्लान का जो फोकस होगा वो क्या होगा, भारत का डेवलपमेंट होगा, भारत का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, दूसरे प्लान का जो फोकस होगा वो क्या होगा, आपका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। और आपको पता है कि जो विकास है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है, इंडस्ट्री के। और कौन सी इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर करता है, बेसिक इंडस्ट्री के ऊपर, आधारभूत उद्योग जो है ना उनसे आपका विकास होता है। आधारभूत उद्योग वो उद्योग होते हैं जिन पे और सारे उद्योग क्या होते हैं, आपके डिपेंड होते हैं, बेसिक इंडस्ट्री। तो अगर आपको विकास करना है, अगर आपको डेवलपमेंट करना है, तो आपको बेसिक इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, बेसिक इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, आधारभूत उद्योग लगाने पड़ेंगे। अब ये आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं, तो आयरन स्टील इंडस्ट्री होती है। कौन से उद्योग होते हैं, आयरन स्टील इंडस्ट्री। लो इस्पात उद्योग को हम क्या बोलते हैं, आधारभूत उद्योग बोलते हैं। तो सर आप देखोगे इस प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था। क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण क्या था इसका ऑब्जेक्टिव था। क्यों था उद्योगीकरण, क्योंकि अब हमको विकास करना है। और कौन सी इंडस्ट्री लगाएंगे, आप ध्यान रखना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाएंगे। कौन सी इंडस्ट्री लगाएंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाएंगे, पैसा तो है नहीं हमारे पास, कहाँ से लगाएंगे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत पैसा खर्च होता है। तो सर पहला प्लांट लगाया हमने, ध्यान रखना, ये प्लांट लिखे नहीं है, आप कॉपी पेन रखे हो तो मेंशन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो सर सेकंड फाइव ईयर प्लान में आयरन एंड स्टील के प्लांट लगाए गए, बड़े बड़े प्लांट लगाए गए। जो पहला प्लांट लगाया गया वो था आपका भिलाई स्टील प्लांट, जो पहला प्लांट लगाया गया, जो भारत का अभी तक का सबसे बड़ा प्लांट भी है, भिलाई स्टील प्लांट, जो कहाँ पर है आपका, छत्तीसगढ़ में, जो कहाँ पर है आपका, छत्तीसगढ़ में। अब यार भारत के पास पैसा तो था ही नहीं, भारत के पास पैसा तो था ही नहीं, कौन देगा। तो सर सिंपल सी बात है, जब जिंदगी में कोई भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले आप किसके पास जाओगे, अपने दोस्त के पास, जो आपका सबसे जिगरी यार होता है ना, आप उसके पास जाते हो। तो भारत का सबसे जिगरी यार कौन था आपका, USSR। कौन था आपका, USSR। तो बस सर भारत ने अपना पहला प्लांट लगाया, पहला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाई, जो क्या थी आपकी, भील स्टील प्लांट था। कहाँ पर आपका, छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से लगाया गया आपका, ये USSR के सहयोग से क्या करा गया, इसको लगाया गया। क्लियर है जी। दूसरा प्लांट, अभी एक प्लांट लगा दिया, ठीक है, अब ये दूसरा प्लांट लगाएंगे, दुर्गपुर। कहाँ पर लगाया गया आपका, दुर्गपुर वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर लगाया गया, वेस्ट बंगाल में। अब इसके भी पैसे नहीं है हमारे पास, अब क्या करेंगे। तो सर अब हम किसके पास जाएंगे, ये अंग्रेज़ लोगों के पास जाएंगे। इन अंग्रेज़ों से बोलेंगे, यार आपने हमारा कोहिनूर रख लिया, आपने भारत को 200 सालों तक लूटा है, कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे दो यार हमको। तो अंग्रेज़ ना दया करके, यार ठीक है ये लोग मर रहे हैं, कर देते हैं थोड़ी सी मदद। तो दूसरा प्लांट बनाया दुर्गपुर पश्चिम बंगाल में, जो किसके सहयोग से बनाया गया आपका, ब्रिटिशर्स के, किसके, ब्रिटेन के सहयोग से बना। किसके सहयोग से बना, ब्रिटेन के सहयोग से बना। क्लियर है ये चीज़। तीसरा स्टील प्लांट बनता है, तीसरा स्टील प्लांट बना राउरकेला। तीसरा स्टील प्लांट कौन सा बनता है आपका, राउरकेला, जो कि कहाँ पर है आपका, झारखंड। कहाँ पर आपका, झारखंड में, ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट झारखंड। अब इसके भी पैसे नहीं है। तो सर आप देखोगे वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के अगेंस्ट में कौन लड़ा था, जर्मनी लड़ा था। वर्ल्ड वॉर वन और टू में ब्रिटेन के अगेंस्ट कौन लड़ा था, जर्मनी ने। तो ये जाएंगे, देखो यार तुम्हारे दुश्मन ने तो क्या कर दी, हमारी सहायता कर दी, तुम भी कर दो अब थोड़ी बहुत सहायता। तो वो ईगो में आके जर्मनी ने भी कही, नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हो। तो जर्मनी ने क्या करी, सहायता। तो आप देखोगे राउरकेला किसके सहयोग से बनेगा, जर्मनी के सहयोग से बनेगा। किसके सहयोग से बनेगा, जर्मनी के सहयोग से बनेगा। तो सर तीन स्टील प्लांट, ध्यान से देखना, फोकस ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। क्या है आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उद्योगीकरण है, उद्योगीकरण मतलब बेसिक इंडस्ट्री। तो तीन बड़े बड़े स्टील प्लांट अपन ने बनाए, ठीक है, क्लियर है चीज। तीन स्टील प्लांट हम क्या करेंगे आपका, बनाएंगे। किस एक मॉडल के ऊपर ये प्लान बेस्ड था, तो सर ये महाल नोविस मॉडल के ऊपर ये प्लान बेस्ड था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसी महाल नोविस, कौन आपके, पीसी महाल नोविस, जो कि भारत के स्टैटिस्टिकल मैन भी बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है, भारत के स्टैटिस्टिकल मैन। इनकी ही याद में 29 जून को
इनकी ही याद में 29 जून को स्टेटिस्टिक डे बनाया जाता है, नेशनल स्टेटिस्टिक डे। कौन सा डे बनाया जाता है? नेशनल स्टेटिस्टिक डे बनाया जाता है, ठीक है। मॉडल कौन सा था? महालोविस मॉडल था। अब सर इन सभी इंडस्ट्री को लगा कौन रहा था? सभी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट लगा रही थी कि आपकी प्राइवेट सेक्टर लगा रहा था? तो आप देखोगे गवर्नमेंट लगा रही थी। कौन लगा रही थी? गवर्नमेंट। क्यों गवर्नमेंट लगा रही थी? क्योंकि सर भारत की जो पॉलिसी थी, भारत की जो पॉलिसी थी 1991 से पहले, 1991 से पहले, वो सोशलिस्टिक पैटर्न पे बेस्ड थी। किस पे बेस्ड थी? समाजवादी नीतियों पे बेस्ड थी, सोशलिस्टिक पैटर्न पे बेस्ड थी। मतलब सोशलिस्टिक पैटर्न का मतलब है कि जहाँ पर गवर्नमेंट सब काम करती है, जहाँ पर कौन काम करता है? गवर्नमेंट। तो सर आप याद रखना, जितनी भी इंडस्ट्री ये सब लगाई गई थी वो गवर्नमेंट ने लगाई थी। किसने लगाई थी? गवर्नमेंट ने। तो जो सेकंड ईयर प्लान था ये किसके ऊपर बेस्ड था? सोशलिस्टिक पैटर्न के ऊपर बेस्ड था। किसके ऊपर बेस्ड था? सोशलिस्टिक पैटर्न के ऊपर बेस्ड था। समाजवादी समाज के एक अप्रोच के ऊपर क्या था आपका ये पूरा का पूरा प्लान क्या था आपका? वेस्ड था। क्लियर है चीज़? समझ में आ गया आपको सेकंड फाइव ईयर प्लान? और आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसमें आपका? सेकंड फाइव ईयर प्लान में, ठीक है। समझ आ गया? चलते हैं हम थर्ड फाइव ईयर प्लान की तरफ। तो सर तीसरा फाइव ईयर प्लान आता है। अब तीसरा फाइव ईयर प्लान कब से कब तक होगा? 1961 से लेके 1966 तक। तीसरा प्लान कब से कब तक होगा? 1961 से लेके 1966 तक। अब तीसरा फाइव ईयर प्लान आया। अब सर आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, डेवलप करते करते में आपके पास तो पैसा था नहीं। अब ये तो वही चीज़ हो गई कि यार आपको आपका मन है कि यार आपके पास लैंड रोवर हो, ऑडी हो, बहुत सारी गाड़ियां हो। आपने ये गाड़ियों को दिखाने के लिए आपने बाहर से खूब सारा पैसा लोन ले लिया, खूब सारा पैसा उधार लिया, उधार लिया, उधार लिया, और उधार उधार लेकर आप अपने आप को क्या क्या शो ऑफ कर रहे हो कि मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत अमीर हूँ, बहुत अमीर हूँ। तो अब क्या हो रहा है? भारत के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। भारत ने क्या करा? बहुत सारा बाहर से पैसा उधार ले लिया। अपने आप को डेवलप करते हुए भारत ने सब जगह से पैसा खूब सारा उधार ले लिया, इंडस्ट्री लगाई है। अब इंडस्ट्री लगाना कोई हंसी खेल तो है नहीं, भारत के पास पैसा नहीं है। तो भारत ने बहुत सारे लोगों से पैसा उधार ले लिया। तो सर जब सेकेंड फाइव ईयर प्लान ख़त्म हुआ तो भारत दूसरे देशों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका था। दूसरे देशों पर क्या हो चुका था? भारत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका था। तो सर तीसरा प्लान जो चालू होगा, थर्ड फाइव ईयर प्लान क्या होगा आपका जब चालू होगा, तो एक ऑब्जेक्टिव हम रखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव हम रखेंगे जिसका नाम क्या है आपका? सेल्फ रिलायंस है। क्या है आपका? सेल्फ रिलायंस, के अब हम किसी पे भी क्या नहीं होंगे? डिपेंडेंट नहीं होंगे। सर एक वर्ड आता है इकोनॉमिक्स में जिसका नाम है आपका टेक ऑफ स्टेज। जो थर्ड फाइव ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी इकोनॉमी को किस एक स्टेज में ले जाना है हमको, अपनी इकोनॉमी को हमको टेक ऑफ स्टेज में लेके जाना है। टेक ऑफ स्टेज का मतलब है एक ऐसी स्टेज अर्थव्यवस्था की जहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है आपकी वो किसी भी एक चीज़ के ऊपर क्या ना रहे, आपकी डिपेंडेंट ना रहे। किसी भी कोई भी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर क्या ना रहे, आपकी डिपेंडेंट ना रहे। तो इस एक स्टेज को हम क्या बोलते हैं? टेक ऑफ स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक ऑफ स्टेज बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना सर, जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ऑब्जेक्टिव है कि अपनी अर्थव्यवस्था को किस में पहुंचाना, आपका टेक ऑफ स्टेज में क्या करना, आपका पहुंचाना। तो टेक ऑफ स्टेज में अर्थव्यवस्था को पहुंचाना क्या था, इसका एक उद्देश्य था। बट वो बोलते हैं ना कि जब आप सोचते हो, जिस दिन आपने सोच लिया कि नहीं यार आज तो हद कर दूंगा पढ़ पढ़ के, आज तो 15 घंटा में पढ़ूंगा, उसी टाइम आपको ऐसा लगेगा कि भगवान आपके सामने पूरी मुसीबत डाल रहे हैं। कहीं आपकी लाइट नहीं आएगी, कहीं आपका सिर दर्द करने लगेगा। मतलब जिस दिन आपने मन बनाया उसी दिन पूरी प्रॉब्लम आने वाली है। तो सेम भारत के साथ भी होता है। भारत मन बन चुका था कि हम अब कोई भी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम अपने आप अब खुद खड़े होंगे। एक इकोनॉमी के तौर पर हम अब खुद क्या होंगे? डेवलप होंगे। तभी आप देखोगे सर ऐसी भारत में इतने चांटे पड़े, तभी भारत में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनसे भारत बहुत ज़्यादा टूट गया। जो पहली चीज़ हुई वो था आपका 1962 का इंडो चाइना वॉर। 1962 का क्या आपका? इंडो चाइना वॉर।
पहली चीज हुई, पहला जो सेटबैक भारत को लगा वो था आपका 1962 का इंडो चाइना वॉर। अब ध्यान देना सर, भारत के पास पैसा वैसे भी नहीं है, ठीक है, भारत अपने आप से खड़ा हो रहा है और उसी बीच वॉर हो गया, वॉर इंडो चाइना वॉर। अब इंडो चाइना वॉर क्यों हो गया, और ये ऐसा वार था जिसमें इंडिया प्रिपेयर नहीं था। इंडिया क्या नहीं था, प्रिपेयर नहीं था। और इंडिया प्रिपेयर क्यों नहीं था तो मैं आपको बता दूं सर, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कहीं पर। 1954 में एक समझौता हुआ था भारत और चाइना के बीच, जिसको बोला जाता है पंचशील समझौता, पंचशील एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में पांच ऐसे आपके टॉपिक थे, पांच ऐसी चीज़ें थी जिन पे दोनों देश ने एग्रीमेंट किया था कि यार दोनों देश बिल्कुल हंसी खुशी रहेंगे। और यहीं पर एक नारा दिया जवाहरलाल नेहरू ने, हिंदू चीनी भाई भाई। अब भारत तो आराम से मौज में बैठा हुआ है कि यार चाइना वालों से तो क्या है, चाइना वालों से तो अपना दोस्ती हो चुकी है। ये चाइना वाले सर, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मतलब चाइना, अब आप तो सर, भारत अगर चाइना का गुलाम हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर। एक कुंफू फुंफू वाले हैं लोग हैं, मतलब बहुत खतरनाक काम करेंगे, ठीक है। तो 1962 में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर होता है, वो सॉरी इंडो चाइना वॉर हो जाता है। भारत प्रिपेयर नहीं था, क्यों नहीं था, हम एग्रीमेंट करके खूब बढ़िया मज़े से बैठे थे और चाइना ने एग्रीमेंट को तोड़कर हम पे वॉर कर दिया था। होगा क्या, भारत युद्ध हार जाता है। युद्ध हारने के बाद भारत का बहुत सारा पैसा क्या हो जाता है, आपका लग जाता है। अब यार युद्ध में भारत हार चुका, वैसे ही भारत गरीब है, हमारी हालत वैसे ही ख़राब थी आपकी, और आपने हमें युद्ध करवाया और युद्ध में हमें हरा दिया, तो भारत की हालत बहुत ख़राब हो गई। भारत की हालत क्या हो गई आपकी, बहुत ख़राब हो गई। ये सब चीज़ें पाकिस्तान खड़ा हुआ देख रहा था। पाकिस्तान बोर्ड ने बोला कि यार हम जिंदगी में तो इन्हें हरा नहीं पाएंगे, ये सही मौका है, इनकी पूरी शक्ति ख़त्म हो चुकी है, इनको पटक लो, पाकिस्तान ये सोच रहा था। तो दूसरा सेटबैक भारत को लगा, भारत को क्या लगा सोचिए सर आप, भारत को दूसरा सेटबैक लगा इंडो पाक वॉर 1965। क्या, इंडो पाक वॉर 1965। पाकिस्तान ने सोच रहा था ये सही मौका है, इनको हरा लो, पर पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि तुमसे तो हम मरे में भी लड़ लेंगे, मतलब तुमसे तो हम क्या कर लेंगे, मरे में भी क्या कर लेंगे, लड़ लेंगे। अब सर पाकिस्तान का वॉर होता है और जाहिर सी बात है पाकिस्तान से हम कभी हार नहीं सकते, ठीक है। तो पाकिस्तान से हम जीत तो जाते हैं, बट हमारे पास जो थोड़ी बहुत रिसोर्सेज थी वो भी क्या हो गई, हमारी ख़त्म हो गई, सब ख़त्म। दो बड़े बड़े सेटबैक लगे। जो तीसरा सेटबैक, मतलब हम सोच सकते थे थोड़ा बहुत, हम मतलब पता नहीं क्या था तीसरे 5 ईयर प्लान में। तो इसी बीच 1966 में क्या होता है, सीवियर ड्रॉट आ जाता है। क्या आ जाता है आपका, खतरनाक सूखा पड़ता है, बेहतरीन सूखा पड़ता है। तो सर ये तीन ऐसे सेटबैक थे जिससे भारत पूरी तरीके से टूट चुका था, सब खत्म भारत के पास से, क्या हो गया, सब खत्म। तो अब सोचिए सर कि प्लान कब बनाओगे आप, जब आपके पास रिसोर्सेज होंगे, जब आपके पास क्या होंगे, रिसोर्सेज। अब आपके रिसोर्सेज ही खत्म हो चुके हैं, अब आपके रिसोर्सेज ही खत्म हो चुके हैं, तो आप प्लान बनाओगे क्या, नहीं। तो सर भारत की प्लानिंग में पहला क्या आएगा आपका, पहला रुकावट आएगी, भारत की प्लानिंग में पहली रुकावट आएगी। अब बच्चे इसको रटते हैं, बच्चे इसको रटते हैं, पर आप खुद सोचो ना यार, नाइन थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद आपके पास पैसा है कि आप प्लान बना सकोगे, नहीं बना सकते। तो सर आप क्या देखोगे कि अब प्लान हॉलीडे आएगा, क्या आएगा, प्लान हॉलीडे। कब से कब तक, 1966 से लेके 1969 तक का जो समय है, इसको भारतीय इतिहास में क्या बोला गया, प्लान हॉलीडे बोला गया। कि 3 साल तक हमने कोई भी प्लान नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए, पैसा ही नहीं था हमारे पास, प्लान कहाँ से बनाएंगे आप, ठीक है। क्लियर है चीज़, समझ में आ गया, प्लान हॉलीडे कब आया, क्यों आया, क्लियर है चीज़। इसमें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है इसमें क्या हुआ था। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसमें, 1967 में, 1966 67 में एक चीज़ हुई जिसका नाम था आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसका क्या नाम था आपका, ग्रीन रिवॉल्यूशन था, हरित क्रांति। अभी आप ध्यान से देखिए सर, अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों हो रहा है, फिर वही कंडीशन आ गई, खाने के लिए रोटी नहीं है, क्या नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, और अब काम भी नहीं चलना थोड़ी थोड़ी रोटियों से। तो हमको कुछ ऐसे मिरेकल की ज़रूरत है, हमको कुछ ऐसे चमत्कार की ज़रूरत है जिससे खूब सारा प्रोडक्शन होने लगे, सब जगह खूब सारा उत्पादन होने लगे। तो आप क्या देखोगे सर, 1966 1967 में ग्रीन रिवॉल्यूशन होगा भारत में। भारत में क्या होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन होगा, भारत का पहला हरित क्रांति हुई,
कहाँ से स्टार्ट की गई, पंजाब हरियाणा से स्टार्ट होती है। किसने स्टार्ट करी गई, एम एस स्वामीनाथन ने। भारत में इसके जनक कौन थे आपके, एम एस स्वामीनाथन थे। कौन थे भारत में इसके जनक, एम एस स्वामीनाथन। विश्व में कौन इसका जनक था, मतलब विश्व में कौन इसका जनक था, तो नॉर्मन बोरलॉग। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद कर लो, लिख लो, विश्व में कौन इसका जनक था, नॉर्मन बोरलॉग, जो मैक्सिको के क्या थे आपके, वैज्ञानिक थे। जो कहाँ के एक वैज्ञानिक थे आपके, मैक्सिको के क्या थे आपके, वैज्ञानिक थे। विश्व में इन्होंने शुरुआत करी, भारत में किसने शुरुआत करी आपकी, कौन शुरुआत करेगा भारत में, एम एस स्वामीनाथन, जो बड़े कृषि वैज्ञानिक है थे, ठीक है। तो भारत में किसने शुरुआत करी, एम एस स्वामीनाथन ने। कब हुई, 1966 से 1967। क्लियर है, समझ में आ गया आपको ये चीज़, ठीक है। इसके आगे की कहानी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।